जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेडजी और इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे इकोनॉमी से रिलेटेड। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि वर्तमान में जो भी सिनेरियो चल रहे हैं उसको ध्यान में रखकर आपको तैयार करना पड़ेगा यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए, है ना। क्योंकि ये पूरी तरह से करंट बेस्ड होता है, चाहे वो प्री एग्ज़ाम हो चाहे आपका मेंस एग्जामिनेशन हो। लेकिन आप इसकी तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, उसका जिससे आउटपुट आपका अच्छा निकल सके और इनपुट आप कहाँ से लेंगे, वो दोनों ही चीज़ें मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला, इकोनॉमी के लिए आपको पुराने पेपर निकालने होंगे, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समझने में आपको हो सकता है अर्थशास्त्री बन जाएं बहुत सारे लोग पढ़ते पढ़ते, लेकिन यूपीएससी में जो प्रश्न आते हैं वो ना निकल पाए, है ना। तो सबसे अच्छा है कि आप पुराने पेपर निकाल लीजिए। मैं आपको आज ये जो पुराने पेपर हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, है ना, और लगभग 5 से 10 प्रश्न हम देखेंगे और बाकी के मैं आपको बताऊंगा कहाँ से ये आपको मिल जाएगा पुराना पेपर। इसमें केवल प्री एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आ रहा है पेपर आपका आईएएस 2020 प्री का, तो बहुत सारे लोग देने जा रहे होंगे और लगभग लगभग 15 से 20 प्रश्न जो है रहते हैं। और बड़ी ही आसानी से यदि आपने थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया है इसका और पुराने पेपर देख लिए हैं और वर्तमान सिनेरियो से जुड़े रहते हैं तो बहुत ही आसानी से ये हो जाते हैं। और अभी अभी हाल ही में आप सभी को पता है बजट आ चुका है, बजट से संबंधित भी प्रश्न जो बनते हैं इकोनॉमी में वो कैसे बनते हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना के आपको बता दिया था, है ना। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये ज़रूरी है। देखिए, आपके सामने ये जो प्रश्न है 2019 में आया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के काल में किया गया था। ये सही है, ये सही है या फिर गलत है, ये आपको बताना है, स्टेटमेंट बताना है। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है, क्या ये सही है या गलत है। भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयला का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है ये, यदि आप इसको देखोगे और थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे तो ये मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न टफ है। आपको लगेगा 3 स्टेटमेंट दे दिए हैं इसमें, लेकिन आपको ऐसा लगेगा 3 स्टेटमेंट हैं। कुछ लोग तो बिना पढ़े ही इसे हटा करके चले जाएंगे। आप सभी सभी को पता है इंदिरा गांधी के काल में बेसिक सी नॉलेज है, यदि आपने बेसिक थोड़ा सा भी पढ़ लिया होगा, किसी भी बुक से पढ़ लिया होगा तो इतना तो जरूर पढ़ा होगा कि राष्ट्रीयकरण हुआ था एक, ठीक है, जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो बाद में हुआ था, बहुत सारी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था इंदिरा गांधी के काल में। तो आपको ध्यान में रखने योग्य बात है, कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि इंदिरा गांधी के काल में इसका भी हो गया होगा। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में क्या हो जाता है, सही हो जाता है। वर्तमान में देखिए, यहाँ पर तो एक तो आ गया बेसिक, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ ना बेसिक, बेसिक से ये वाला स्टेटमेंट आ गया, और करंट से जो आ गया वो आपका ये वाला स्टेटमेंट आ गया। बेसिक इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पर ध्यान रखना पड़ेगा, यानी वर्तमान में क्या सिनेरियो चल रहा है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे, कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। आपने कभी सुना है कि कोयला को लॉटरी के द्वारा दिया जा रहा है, ऐसा तो इसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अधिकतम फर्म है कोई भी, वो प्रति टन अधिकतम मूल्य दे देती है, उसको ये आवंटित कर दिया जाता है, ठीक है। पहले आओ पहले पाओ जैसी नीति एक तरह से अपनाई जाती है। आपने कोयला घोटाला सुना होगा, उसमें क्या नीति अपनाई गई थी, यही थी, पहले आओ पहले पाओ। तो वर्तमान में कोई भी लॉटरी सिस्टम नहीं है इससे रिलेटेड, इस वजह से क्या हो जाता है, दूसरा गलत हो जाता है। अब थोड़ा सा इसके जो स्टेटमेंट दिए हैं वो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो पहला तो सही है ही, ठीक है, तो 2 और 3, दूसरा तो गलत है, ठीक है, तो ये भी कट गया यहाँ पर, ठीक है, और 1 2 किसमें है, इसमें 2 है, तो ये भी कट गया। अब स्टेटमेंट 1 और 3 वाला बचा, अब 3 को देखते हैं।
भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयला का आयात करता था। ये बिल्कुल सही है, कोयले का आयात किया जाता है, ठीक है, लगभग 70 से 80% कोयला हम आयात करते हैं। लेकिन किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है, ये क्या मजाक है। आप यदि वर्तमान को देखते होगे, करंट अफेयर्स पर ध्यान में रखते होगे, मतलब 80% 70 से 80% आयात करने वाला देश एकदम से कैसे आत्मनिर्भर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, जहाँ भी ये तो हो गया नॉर्मल, आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है। एक इसमें ट्रिक्स में बता दूं कैसे करते हैं स्टेटमेंट वालों को, जैसे आ गया किंतु, ठीक है, किंतु शब्द आ जाता है, लगभग लगभग किंतु वाले जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो हमेशा गलत ही होते हैं, ठीक है। ये ट्रिक है, मैं धीरे धीरे आपको ट्रिक्स की बात करूंगा। तो ये प्रश्न का आंसर जो निकलेगा वो एक निकलेगा। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर बैठा हूँ इस वजह से इस क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ, वहाँ पर होता तो नहीं कर पाता। दोस्तों ये चीज़ आपको सीखनी होगी, ये नहीं सीखोगे तो आपको ऐसे स्टेटमेंट वाले जो बड़े बड़े प्रश्न हैं वो बड़े टफ लगा करेंगे और आप उन्हें छोड़ दिया करोगे। तो इसका आंसर क्या निकला, केवल एक, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हो, इसे हिस्ट्री का प्रश्न भी मान सकते हो हालांकि, लेकिन भूमि सुधार से संबंधित है तो इसको इकोनॉमी की बेसिक में भी हम रख सकते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है पहले वो देख लेते हैं। हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, ना कि व्यक्तिगत जोत पर, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हो गया आपका, देखिए यहां पर, भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों का कृषि भूमि प्रदान करना था, ठीक है। क्या ये सभी भूमिहीनों को कृषि प्रदान करना था, यहां पर ये शब्द आ रहा है सभी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई है, प्रमुख रूप बन गई, ठीक है, भूमि सुधार से। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा आपके सामने, देखिए अभी दिखा देते हैं हम आपको। तो इसका आंसर, एक मिनट, पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो जाता है। ऊपर देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर जो हो जाता है वो बी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि भूमि सुधार का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि जो भूमिहीन है उन तक कृषि प्रदान करी जाए, है ना। बाकी के जो उद्देश्य हैं वो बाद में आए थे, ठीक है। और ये स्टेटमेंट कैसे गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी लिख गया है, जब ये दूसरी ट्रिक है कि किसी भी शब्द आ जाए तो वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, ठीक है। और सभी आ जाए तो क्या होता है, इसमें 25 और 75 का फर्क होता है, ठीक है। 75% जो होते हैं वो गलत होता है और 25% हो जाता है वो सही होता है, लेकिन यहाँ पर आप गलत कर सकते थे इसे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मेमोरी को भी यहाँ पर रिवाइज करना पड़ेगा, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। बिना पढ़े हुए कोई भी चीज़ें आप नहीं लगा सकते हो, यानी कि आपकी पढ़ाई तो आपको करनी ही होगी, याद की हुई चीज़ें रखनी होंगी, साथ ही साथ जिन चीज़ों को आपको समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल वहां पर आपको ट्रिक्स लगानी होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं इकोनॉमी के अंदर, और हालांकि ये प्रश्न जो बन जाता है वो हिस्ट्री से रिलेटेड भी हो सकता है और इकोनॉमी के अंदर डाल दिया, क्योंकि इकोनॉमी से भूमि लैंड रिफॉर्म से है, ठीक है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं, जितने भी अब तक आए हुए प्रश्न हैं ये आपके यहाँ पर पूरे दिए गए हैं, ठीक है। और इनके आंसर्स जो हैं वो मैंने नीचे डाल दिए हैं, है ना।
तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे दूसरे लोग भी शामिल हो सकें, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।